प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ सुनहली का कुआं पढ़ेंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव नरसी की ढाणी में मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। एक दिन सुनहली पानी भरकर अपने घर की ओर जा रही थी कि उसने खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी को देखा। गीली मिट्टी को देखकर वह आगे बढ़ गई, परंतु उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो यहाँ पानी अवश्य होगा। यह बात उसने अपने पति और बेटों को बताई कि खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी है, तो उन लोगों ने उसका मजाक बनाया। दूसरे दिन सुनहली खेजड़े की जड़ को जाकर खोदने लगी और उसको देखकर उसके पति और बेटों ने साथ दिया। दिन में वह जितना कुआं खोदते कि रात को आंधी चलती और उस आंधी में वह गड्ढा रेत से भर गया। अब उसके पति और बच्चों ने यह विचार बनाया कि रात को गड्ढा खोदा जाएगा और उसकी मिट्टी दूर फेंकी जाएगी। धीरे धीरे कार्य की सफलता को देखते हुए गांव वालों ने भी उसका सहयोग दिया और वहां पर एक कुआं बन गया जिसका नाम रखा गया सुनहली का कुआं। यह कुआं सुनहली की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के कारण ही बन सका। धन्यवाद।